और वहीं पे टीम ओरांगुटान ये भी झटका खाए हुए हैं, फैंटम कंफर्म हो जाएंगे व्हेनेवर यू आर इन दी ओपन। अब मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है गेमजो दैट उनकी बगी में शायद फ्यूल नहीं था, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ऐसी गलती फैंटम करेंगे ओपन में। करना नहीं चाहिए था और उसके खामे सब इतना पड़ रहा है यहाँ पर। फिट फिलहाल के लगा था कि टीम ओजी यहाँ पर सरवाइव कर जाएंगे, कोई आसपास नजर नहीं आएगा, लेकिन जिस तरीके से टीम ओमेगा पीछे पड़ते नजर आगे, हेक्टर ने शायद कहना कि वो भनक लग गई थी, डीपीपी का वो इन्फॉर्मेशन को मिल गया था, इसी वजह से वो क्रॉस एयर ऊपर की तरफ जाता नजर आया और एक प्री फायर एंड वहां पर एक खात्मा होता नजर आएगा। चलिए यहाँ पर शुरुआत भी हो चुकी है टीम ओमेगा की, इंतजार तो हम जरूर कर रहे हैं कि ओमेगा भी कब हमें खेलते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक वो आ रहे हैं तब तक निंजा जॉट साथ देते नजर आएंगे। इसमें WSB एंट्री ले चुकी है, गैलेक्सी भी चाहती है एंट्री लेना, लेकिन ये प्लेन का जो पूरा का पूरा एरिया है ये पकड़ लिया है WSB ने और अभी WSB वहां से कैपिटलाइज जरूर करेगी। बट अभी 42 खिलाड़ी बचे हुए, टीम ओमेगा दो खाते में आ चुके हैं। फ्रैग्स TMG थोड़ी देर पहले न्यूक्लियर नॉक थे और उनका भी कंफर्मेशन हो गया, सिर्फ 3 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं TMG की तरफ से, और अब जिसके पास भी कंपाउंड है उसके पास बहुत ज्यादा फेवर है। बिल्कुल, और देखिए एक डर खत्म सा होता है, मतलब एक कॉन्फिडेंस सा आता है कि अगर हम नॉकआउट होंगे भी फिर भी हमें कवर मिल जाएगा और रिवाइवल वापस से मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर सोल वर्सेस टीम ओमेगा वर्सेस टीम सोल की एक पैटर्न हमें देखने को मिलती नजर आएगी। हेक्टर ने करा है वो नॉकआउट, किटाना के एनएस पावर का मानना जरूर आ रहे हैं उनको बचाने के लिए, बट मुझे लग रहा है कि शायद अभी के लिए मुश्किल होने वाली है और हो सकता है चांसेस कि ये टीम ओमेगा ये बैटल निकाल के जा सकती है। मान्या को भी शायद मुझे लग रहा है कुचल दिया गया है, जी हाँ अक्षत के द्वारा वो इन्फॉर्मेशन जो रिले किया गया था यहाँ पर हेक्टर के द्वारा एक्यूरेट रहा, जिस डायरेक्शन पे गए वहीं पर ही मान्या देखने को मिलते नजर आए। देख पा रहे हो लगभग 20,000 लोग यहाँ पर लाइव विटनेस कर रहे हैं, सबका शुक्रिया जो जो स्ट्रीम पे यहाँ पर जुड़े हैं, लेकिन सबसे दरख्वास्त है कि गाइस लाइक गोल जो 5,000 पे वो तो जरूर कंप्लीट करें, बट अभी के लिए बैटल की तरफ जाएंगे जरूर। फ्लैग्स के ऊपर प्रहार और एक और टीम का एलिमिनेशन टीम ओमेगा के द्वारा। आज मेरे ख्याल से जो एक स्टेप है ना वो और अहेड रख दिया गया है टीम ओमेगा के द्वारा, क्योंकि उनको पता है 60 पॉइंट्स है अगर वो बकल अप करना है, ड्रैगन ईस्पोर्ट्स को अगर पछाड़ना है या फिर पहले या दूसरे मैच के अंदर बराबरी कर करके दिखानी है 90 पॉइंट की, तो इसी मैच से वो एग्रेशन दिखाना पड़ेगा और टीम ओमेगा उसी स्तर पर उसी स्टेप में आगे बढ़ते नजर आ, उनके ऊपर टूट पड़ सकती कभी भी। टीम ओमेगा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, दो प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं, अक्षत का एलिमिनेशन, अंडरगॉड नंबर 2 बचाने की कोशिश करेंगे अपनी टीम को, लेकिन यहाँ पे फ्रैग बहुत सारे आ गए। टीम ओमेगा जो डिफरेंस है जो मार्जिन है उसको कम करने के लिए अभी के लिए तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नजर आ रही है। अगर ये रिवाइवल हो जाता है दोनों खिलाड़ियों का जो काफी हद तक लग तो रहा है, अभी भी हेक्टर बाहर है, हेक्टर की तरफ थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। देखिए ब्रोकन वॉल है वहां पे, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आपको फायदा नहीं होगा। जेनेक्स FM भी ऊपर से निगाह गड़ाई बैठी है, लेट्स सी क्या अंडरगॉड नंबर 2 जाएंगे रिवाइवल के लिए। यस ऑफ कोर्स ही हैज गॉन फॉर द रिवाइवल, बट यही रिस्क की मैं बात कर रहा था। चलिए समहाउ आई थिंक यहां पे रिवाइवल हो जाएगा हेक्टर का, अगर हेक्टर का रिवाइवल हो जाता है चिकन डिनर के रेस में वापस से आ जाएगी ये टीम, कोशिश कर रही है आगे बढ़ने की, एक अच्छा खासा कंपाउंड, बट सैडली द कंपाउंड इज नाउ आउट ऑफ द सर्कल। बट बीचो बीच अभी के लिए मेरे ख्याल से जेनेक्स FM, जी हाँ जेनेक्स FM अभी के लिए मल्टीपल डायरेक्शन जितनी भी फाइट्स आ रही, बट अंडरडॉग नंबर 2 चलती गाड़ी से शायद वहां पर वो गिरे हैं, जिसके चलते उनको भी यहाँ पर बाहर का रास्ता। अब आखिरी खिलाड़ी हेक्टर जो अभी के लिए गए हैं यहाँ पर हील बैटल के लिए, हो सकता है कि टॉप 3 में आता हुआ आ सकता है वो, उनका वो नाम चाहेंगे पैराडॉक्स, ही इज डाउन विद द लास्ट फर्स्ट एड किट। लेट्स सी क्या यहाँ पे हेक्टर एलिमिनेट होंगे या पैराडॉक्स इज अबाउट टू गेट एलिमिनेटेड। रेकनिंग को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं यहाँ पे पीछे से, और हम डाल लेंगे या इमॉर्टल को टेक डाउन कर दिया। जेनेक्स FM के पास मौका है क्लोज इन करने का, हेक्टर विद 3 फर्स्ट एड किट्स इन द हैंड टॉप 3 में जगह बना ली है, 10 अंक तो एटलीस्ट निकाल ही लिए यहाँ पे। एकुर बैंक गेट्स टेकन डाउन, ट्राई आउट 16 लास्ट खिलाड़ी, ही गेट्स शट डाउन एंड हेक्टर सर्वाइव्स, टीम ओमेगा सर्वाइव्स टू द लास्ट टीम।